यहाँ पे कभी कभी तुम गिर जाते हैं और कभी बाग ऐसे ही घर जाना पड़ता है वो कभी एग्जाम में तो हम गिर कर भी गई वहाँ पे देने जाते हैं एग्ज़ाम और हमारे टीचर भी यहाँ पे गिर जाते हैं कभी कभी बहुत सी बार गाड़ी स्लिप हो जाती है यहाँ को जी छठी क्लास तो पढ़ रहे हैं नौवीं में आ, आ रहा है अभी रास्ता नहीं बना जी वोटिंग के लिए ना रास्ता दूसरा बनवा दिया पर बच्चों के लिए रास्ता नहीं बनवा उन्होंने लगभग सात आठ साल से समस्या बनी हुई है और यहाँ पे बच्चे इसी वजह से एडमिशन भी नहीं लेते बाकी हमारे यहाँ ग्यारहवीं में भी बच्चे नहीं है इसी वजह से दसवीं करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं जी प्रॉब्लम तो बहुत है पानी भर जाए बारिश के टाइम वहाँ से चला भी नहीं जाता उधर से इतना इतना पानी भर है सारे वो यहाँ से और गिर भी जाते हैं कोई ना कोई रोडीली गिर जाता है बारिश की वजह से सांप भी फिरते हैं पूरे पानी में डर लगता है जाते हुए हाँ इसके संबंध में दो एक दो बार में दो तीन बार एमएलए जो यहाँ पर तत्कालीन थे उनसे भी मिला हूँ मैं और उन्होंने आश्वासन दिया था और एक बार उन्होंने कागज भी दिखाया था कि उस बजट पास शिरकत हो चुकी है उसके बाद इलेक्शन आ गए तो काम फिर बीच में रुक गया नमस्कार दोस्तों मैं गुरमित आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क फिलहाल हम मौजूद है भादराबाद ब्लॉक और आपको बता दें विधानसभा जो कि ज्वालापुर में यहाँ पर एक गाँव पड़ता है ग्राम मानुबास ग्रंट और अभी आप फिलहाल देख भी रहे होंगे फिलहाल हम मौजूद है एक राजकीय इंटर कॉलेज में और आप देख सकते हैं कि इस स्कूल का नाम है अटल उत्कृष्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानुवास ग्रंट यहाँ से लगातार बच्चों की शिकायत आ रही थी कि यहाँ पर हम जो स्कूल से आते हैं यहाँ का जो मेन रास्ता है स्कूल में आने का वो रास्ता बहुत ही ख़राब है और इसी संबंध में आज हम बच्चों से बात करने के लिए और टीचर से बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं आखिर हम बात करते हैं यहाँ के बच्चों से टीचर से कि क्या समस्या है इनके सामने जो यहाँ पर वो स्कूल स्कूल आने में भी थोड़ा परेशानियाँ उनको आती है बात करते हैं आइए आप सभी जिस स्कूल में यहाँ पर पढ़ते हैं सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि आप इस स्कूल का नाम और ये बताइए कि किस स्थान पर स्कूल पढ़ता है हमारे स्कूल का नाम जीआईसी आई इंटर कॉलेज है ये सेक वाले में पढ़ता है मनुवास बोला जाता है जिला हरिद्वार है हरिद्वार तो जैसे कि आपके यहाँ पर मेरे को पता लगे कि यहाँ पर अभी सर भी बता रहे थे बच्चे भी बता रहे थे कि आपके जो आने का रास्ता है वो रास्ता सही नहीं है जी सही नहीं है देखो इसके पैर में भी चोट लग रही है आगे हम हम भी गिर गए इस रास्ते पे आगे तो मतलब ये जो ये जो रास्ता है कितने टाइम से आप लोगों के सामने समस्या बनी हुई है जी पहले, जी, पहले से ही है साल लगभग सात आठ साल से समस्या बनी हुई है और यहाँ पे बच्चे इसी वजह से एडमिशन भी नहीं लेते बाकी हमारे यहाँ ग्यारहवीं में भी बच्चे नहीं है इसी वजह से दसवीं करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं कितने बच्चे में यहाँ सिर्फ पाँच बच्चे हैं नहीं है लेकिन किस क्लास क्लास की बात कर रहे हैं जी अलेवेंथ में तो नहीं है ट्वेल्थ में लगभग बारह बच्चे हैं इसे आप इसे देख सकते हैं राज्य राज के इंटर कॉलेज में सिर्फ ट्वेल्थ में बारह बच्चे यहाँ पर फिलहाल है जिनमें से जि, किस कारण से क्योंकि रास्ते की वजह से आने की वजह से यहाँ पर बच्चे नहीं आते और बाकी हम बात करते हैं इधर और भी हम बात करते हैं बताइए आप क्या सर इधर को बहुत समस्या हो जी पैरों में जी किचड़ जी देखो चोट भी आप आप देख सकते हैं इस बच्चों को भी चोट भी लगा इसी रास्ते की वजह से जी सर तो बाबू जैसे आप इस रास्ते से आते हैं कैसे इसी रास्ते से बीच से निकल कर आना है? पानी पर भरा है? जी बस जी दूसरों के लो लोग लोग तो। बहुत है जी, जी. जी, पानी भर जाए बारिश के टाइम वहाँ से चला भी नहीं जाता उधर से इतना इतना पानी भर जाता सारे सारे वहाँ से गिर भी जाते हैं कोई ना कोई रोडीली गिर जाता है बारिश की वजह से सांप भी फिरते हैं पूरे पानी में डर लगता है जाते हुए तो ये अभी आपने सुना बच्चों को कि जो लड़कियां भी है लड़के भी इस रास्ते से गुजर कर आ रहे हैं क्या हरिद्वार और विधानसभा ज्वालापुर के प्रशासन और शासन को ये बात समझ नहीं आती कि इलेक्शन टाइम पर यहाँ पर जो नेता लोग हैं वो भी जरूर आए होंगे ये मैंने नहीं कहता नहीं आया क्योंकि उनको वोट चाहिए वोट लेने के लिए इलेक्शन टाइम पर अगर वो यहाँ पर पहुँचे हैं क्या बाद में इन बच्चों का भविष्य वो नहीं जान नहीं पाएंगे इन बच्चों का भविष्य ऐसे बनेगा कि वो इस रास्ते से गुजरेंगे इस गलत रास्ते से कैसे पढ़ेंगे बच्चे इधर बात करते हैं Yes, क्या क्या लगा है आपको सर यहाँ का तो रास्ता बहुत गंदा है चलने का भी रास्ता नहीं है तो आप लोग उसी से गुजर जाते हैं हाँ जी सर तो बरसात के टाइम पे क्या आप लोग स्कूल में प्रॉपर आ पाते हैं या फिर छुट्टी रखना पड़ता है नहीं छुट्टी रखनी पड़ती है सर बहुत किचड़ होता है ना तो पानी भी बहुत ज्यादा होता है भी गिर भी जाते हैं है फिर खेत पड़ा ना दूसरे खेत में इस तो क्या लगता है आपको कि इसकी वजह से आपकी जो पढ़ाई है स्टडी है उसमें कितनी बाधा आ रही है सर बहुत आ रही सर बहुत बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं जी क्यूँकी रास्ता इतना बेकार है बहुत बच्चे बाहर जाते है कॉलेज में यहाँ आते ही नहीं तो इस जो स्कूल है आपका इस स्कूल में सबसे ज्यादा बच्चे किस गाँव से यहाँ पर आते हैं मानुबास 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 आते आते हैं हैं से से जो तो क्या मानुबास से वो जो रास्ता है वो रास्ता मानो का ही मेन पड़ता है जी तो, तो उधर से ही आते हैं तो क्या क्या चाहते हैं आप लोग जैसे विद्यार्थी आप लोग क्या चाहते हैं हम यहाँ की सड़क बनवाना चाहते हैं और यहाँ पर है ना रास्ते में बारिश हो गई और वहाँ पर फिसलन भी बहुत हो जाती है और बच्चों के कपड़े भी गंदे हो जाते हैं वहाँ पर फिसलन में क्या अगर आप लोगों के संज्ञान में हो कभी किसी व्यक्ति ने जिम्मेदार व्यक्ति ने इस चीज के लिए कभी बात उठाई हो या कि कभी गुहार लगाई हो शासन या प्रशासन से किसी, किसी? नहीं, नहीं, नहीं किसी ने कहा है है ने ने कहा जी नहीं आपके जैसे कि पर टीचर टीचर लोगों कभी इसके लिए जी ने तो कहा है चलिए कहाँ पर हम और टीचर से उनसे भी बात कर लेते हैं टीचर से भी की क्या सर सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा नीरज वर्मा फिजिक्स इससे पहले प्रिंसिपल भी था यहाँ पे और इस समस्या को यहाँ पे जब से मैं हूँ तभी से देख रहा हूँ बच्चे कई बार तो घर से ज़बरदस्ती बुला के लाने पड़ते हैं एडमिशन कराने के लिए वो नहीं आते हैं आते भी हैं तो सेंट परसेंट स्कूल में कभी नहीं आते हैं क्यों वो कहते हैं कि जी रास्ता ख़राब है और बारिश के दिनों में तो हमारे यहाँ की स्ट्रेंथ दस परसेंट से ऊपर होती ही नहीं है नाइन्टी परसेंट बच्चा केवल इसलिए नहीं आता है कि रास्ता नहीं है तो सर जैसे आप लोग भी आते हैं क्योंकि बच्चों का आपने बताया आप लोग भी आते हैं आपको भी किस प्रकार की समस्या का हमें भी बहुत समस्या होती है कई बार बाइक ख़राब हो जाती है कई बार गाड़ी कार लाते हैं तो कार का आगे से बोनट टूट जाता है बहुत सारी समस्या होती है गड्ढे भी होते हैं तो इधर का रास्ता तो बिल्कुल है ही नहीं उधर के रास्ते में भी कमियाँ हैं इधर तो बिल्कुल हम आ ही नहीं सकते अधिकारी भी यहाँ पर आने में इसीलिए उसको समस्या खड़ी होती है कि उसका वाहन ही नहीं आ सकता जब यहाँ पर तो उस समय पर तो आते ही नहीं हैं तो आपको क्या लगता है कि आपने कभी इसके लिए क्योंकि एज ए टीचर आपने कभी किसी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति को इसके लिए हाँ इसके संबंध में दो एक दो बार मैं दो तीन बार एम जो यहाँ पर तत्कालीन थे उनसे भी मिला हूँ मैं और उन्होंने आश्वासन दिया था और एक बार उन्होंने कागज़ भी दिखाया था कि उस बजट पास स्वीकृत हो चुकी है उसके बाद इलेक्शन आ गए तो काम फिर बीच में रुक गया अधिकारियों से भी जब कभी हमारी मीटिंग होती है ओरल लेवल पे हम बात करते हैं लेकिन हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी तो इस बारे में कुछ नहीं कर सकते जहाँ तक मैं समझता हूँ लेकिन राजनीतिक लोग जिसको कर सकते हैं एमएलए निधि से एमपी निधि से या राज्यसभा के सांसद निधि से वो आज तक कभी नहीं हुआ अभी आप देख देख सकते हैं सर ने अभी बताया कि इस रास्ते की वजह से यहाँ पर बच्चे भी प्रॉपर नहीं आ पाते हैं और कहीं ना कहीं स्कूल का रिजल्ट भी डाउन जा रहा है क्यों क्योंकि बच्चे प्रॉपर रूप से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और अगर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे प्रॉपर रूप से तो बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे और मैं अपने ज्वालापुर विधानसभा में ये गाँव पड़ता है ये ग्राम पंचायत पड़ती है मैं उनसे कहना चाहूँगा कि एक बार रवि बहादुर जी इस कॉलेज में आकर विज़िट करें और विज़िट करने के बाद इन बच्चों की समस्याओं को जाने इन बच्चों की समस्याओं का समाधान करें क्योंकि जब आप लोग इलेक्शन टाइम पर आ सकते हैं विजिट कर सकते हैं इन लोगों से अगर आप वोट के लिए अपील कर सकते हैं तो क्या आप इन बच्चों के लिए नहीं सोच सकते हैं कि इन बच्चों का भविष्य क्या होगा क्योंकि एक राज्य के इंटर कॉलेज है यहाँ पर अगर गवर्नमेंट स्कूल होने के बावजूद ऐसा होगा गाँव के लोग माता पिता बड़ी उम्मीद के साथ अपने बच्चों को एक स्कूल में भेजते हैं वो समझते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ेगा और कुछ अच्छा काम करेगा तो क्या इस प्रकार क्या क्या इनका आपको लगता है कि इनका भविष्य उज्ज्वल हो पाएगा इस प्रकार तो मैं अपने विधायक जी से यही कहना चाहूँगा कि ज्वालापुर विधानसभा से विधायक रवि बहादुर जी एक बार जरूर यहाँ पर विजिट करें और इस चीज़ के लिए ज़रूर संज्ञान लें क्योंकि बच्चों के लिए संज्ञान लेना जरूरी है या फिर ऐसा तो नहीं कि भाई आप लोग इलेक्शन टाइम पर आते हैं या इससे रिलेटेड जो ग्राम पंचायत है उसकी वो वोटिंग है इसलिए आप लोग नहीं यहाँ पर आ रहे हैं और अभी आप देख सकते हैं कि दो का चुनाव भी नज़दीक है दो में सांसद के चुनाव में भी आप लोग यहाँ पर जरूर आएंगे इलेक्शन टाइम ही आप लोगों को सब याद क्यों आते हैं गाँव इससे पहले क्यों नहीं आप इस बात के बारे में संज्ञान नहीं लेते हो इस बारे में आपको विजुअल्स भी ज़रूर दिखाएंगे कि रास्ता किस प्रकार है किस प्रकार बच्चे यहाँ से आते जाते हैं अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वही रास्ता है जो रास्ता ज्योतिगढ़ में मौजूद राज के इंटर कॉलेज में जाता है और हम आपको भी ये रास्ता दिखाने के लिए आए हैं क्योंकि इस रास्ते से ये काफ़ी सैकड़ों बच्चे इसी रास्ते से गुजर कर जाते हैं और आप देख सकते हैं इस रास्ते पर कितना पानी है कितना गंद है और ये रास्ते की समस्या काफ़ी टाइम से बनी हुई है हम इन बच्चों से बातचीत करेंगे इस रास्ते को लेकर आखिरकार किस किस प्रकार की समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है इस रास्ते को लेकर स्कूल जाने के लिए क्योंकि यही वो एक मेन रास्ता है जिससे इन्हें स्कूल से होकर जाना पड़ता है इस स्कूल से राजकीय इंटर कॉलेज से यहाँ के आसपास के कम से कम पाँच से दस गाँव जुड़े हुए हैं आप हम बता दें मानुबास, मानुबास से बहुत बच्चे इधर से होकर जाते हैं ज्योतिगढ़ से होकर जाते हैं और हम बातचीत करें यहाँ पर बच्चों से कहाँ से आते हैं बाबू आप मानुवास तो ये जो रास्ता है इस रास्ते से आप गुजर कर जाते हैं तो किस किस प्रकार की समस्याओं का आपको समाधान करना वो किस किस प्रकार की समस्या आपको सामने आती है यहाँ पे कभी कभी तो हम गिर जाते हैं और कभी वैसे ही घर जाना पड़ता है और कभी एग्जाम में तो हम गिर कर भी बिगे ही वहाँ पर देने जाते हैं एग्ज़ाम और हमारे टीचर भी यहाँ पे गिर जाते हैं कभी कभी बहुत सी बार गाड़ी स्लिप हो जाती है यहाँ को बस सही अभी बच्चे ने बताया कि यहाँ पर कभी कभी एग्ज़ाम टाइम में हम गिर भी जाते हैं और आने जाने के समय कई बार ये फिसल कर गिर भी जाते तो क्या शासन प्रशासन इस और ध्यान नहीं दे रहा है अभी हम यहाँ पर कुछ बालिकाएँ हैं उनसे भी बातचीत करेंगे जी अभी देखते हैं कौन सी क्लास में बेटा सेवन सेवन से आते हैं आप मनुवास से मन्वास से तो आप, आप इस रास्ते से जाते हैं जी तो इस रास्ते में दिक्कत नहीं होती आपको जाने में होती है कितना कितना पानी रहता है रास्ते में इतना इतना पानी इतना पानी रहता है तो कैसे जाते हैं आप लोग भीग जाते हैं फिर घर जाते हैं कपड़े बदल के अपने घर रहते हैं अच्छा ऐसा करना मतलब आप लोग जैसे यहाँ से जाते हैं फिर भीग जाते हैं फिर भीग कर घर पर चेंज करके दोबारा आना पड़ता है आप लोगों को जी है ना यहाँ पर इतना पानी होता है कीटाणु कुछ भी लग जाता है पैरामगंद खा जाती है वो उससे बच्चों को घर पड़े रहते हैं एग्ज़ाम क्या पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाते बच्चे इसी बहुत से बच्चों को तो यहाँ पे खार भी हो चुके हैं फटती जा रही है उनकी खाले इसी वजह से स्कूल ग्यारहवीं क्लास में तो एडमिशन भी नहीं ले रहे बच्चे इसके कारण और कहीं स्कूल में जा रहे आपकी आपकी जो पढ़ाई है तो उस पर इस रास्ते से मतलब कितना प्रभावित हो रही है क्योंकि आप लोग प्रॉपर स्कूल नहीं जा पाते हैं यहाँ पर देखो, तो जी, जी देखो कितना पानी है शेर भी था यहाँ पर सो अच्छा? जी अच्छे शेर था मैं भी थी पाँच सात तो जो ये रास्ता है कभी आप ने ने लगा कोई नेता को ने लोग आपके बीच में पढ़ रहे मना जी वोटिंग के लिए ना रास्ता दूसरा बनवा दिया पर ये बच्चों के लिए वो रास्ता नहीं बनवा उन्होंने कितना, कितना, कितना इस रास्ते करीबन सात आठ साल से ज्यादा हो गए ऐसे रास्ता पढ़ा है यहाँ पे सात आठ साल से ज्यादा हो गए वोट लेते हैं ना दूसरे रास्ते को आते हैं वोट है नंबर जी भी यहाँ कुछ करवा दे एक दो बुग्गी और आगे आगे चले जाओ राठौर जी आए थे यहाँ से स्कूल में पर उन्होंने सड़क देखी थी राठौर जी ने पल्ले सड़क बनाए पर यह सड़क नहीं बनवाई आपकी उधर की सड़क पे मैं देख पा रहा हूँ बहुत पत्थर है, वहाँ पर। जो पर पत्... है जो पत्थर वहाँ और उसको खराब करवा दी सही थे जी।, जी।, जी सब चाह रहे चलिए बात बच्चों ने भी बताया की वोटिंग के टाइम पे नेता लोग जरूर आते हैं यहाँ पर लेकिन सिर्फ वोट लेने के लिए और सात से आठ साल इस रास्ते को हो गया मैं आपको बता दूं अभी मैं आपको भी बता दूं इस रास्ते की जो समस्या है सात से आठ साल हो गया है और पाँच साल पहले यहाँ पर बीजेपी के विधायक थे जो कि सुरेश राठौर जी थे उसके बाद यहाँ पर सरकार बदली कांग्रेस के विधायक आए जो कि रवि बहादुर जी है फिलहाल वर्तमान में यहाँ पर रवि बहादुर जी कांग्रेस से विधायक है क्या वो इस रास्ते की ओर संज्ञान नहीं देंगे क्या वो ये नहीं सोचते कि जो बच्चों का भविष्य राजकीय इंटर कॉलेज में जो यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं उनके भविष्य के साथ कहीं ना कहीं ये खिलवाड़ हो रहा है क्यों नहीं क्यों नहीं इस रास्ते की ओर अब तक संज्ञान लिया गया है क्यों इसके लिए शासन और प्रशासन अब तक शांत बैठा हुआ है मौन बैठा हुआ है क्यों ऐसा हो रहा है मेरा यहाँ के वर्तमान विधायक रवि बहादुर जी से मेरा मेरा कहना है कि वो जरूर एक बार यहाँ पर आए यहाँ पर स्कूल में आकर इन बच्चों से बातचीत करें इनकी समस्याओं को जाने और इस रास्ते का जल्द से जल्द निवारण करें और इस रास्ते पर जल्द से जल्द संज्ञान लें यही मेरा उनसे कहना है और देखते रहिए इसी प्रकार आप तमाम खबरों के लिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क धन्यवाद